प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की तरफ से औरंगाबाद से लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मैं लास्ट टाइम इलेक्शन जालना से लड़ा था, इस बार औरंगाबाद, इसलिए मैंने चॉइस किया कि मैंने देखा कि औरंगाबाद में पिछले 25 साल से जो राजनीति चल रही है वो सिर्फ जात के नाम पे चल रही है, जबकि इन सब चीज़ों से आज के डेट में बहुत सारे लोगों को नफरत हो गई है। औरंगाबाद में पिछले 25 साल से हर इलेक्शन में, चाहे कॉरपोरेशन का हो, MLA का हो, MP का हो, वही मुद्दे कि हम लाइट देंगे, हम पानी देंगे, हम रोड देंगे। बहुत कम लोग जानते हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ये काम नहीं है, पर खैरे साहब को एक बहुत बड़ा चांस था कि वो महानगर पालिका उनकी पोजीशन में थी तो रोड, लाइट, पानी ये सब वो काम कर सकते थे। खैरे साहब का या जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो उसका काम है कि नई इंडस्ट्रीज लाए, औरंगाबाद से एक नहीं 10-10 ट्रेनें छोड़े। औरंगाबाद में जो 4 या 5 प्लेन थे, आज 2 प्लेन पे आके औरंगाबाद रुक गया, जबकि सिटी में 14 प्लेन चल रहे हैं। आज ये प्लेन नहीं होने से कई इंडस्ट्रीज औरंगाबाद में आने वाली तो नहीं है, पर जो इंडस्ट्रीज यहाँ थी वो भी चले गई। स्कोड़ा में BMW, मर्सिडीज, ऑडी, ये गाड़ियों का रीपैकिंग होता था, इन लोगों ने ये सारा प्लांट चाकन में ट्रांसफर कर दिया। आज सिर्फ स्कोड़ा औरंगाबाद में बनती है और खुदा न खास्ता ये भी 7-6 महीने में पुनः शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ जो भी आज तक लोग आए इनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये एजुकेटेड नहीं थे। अगर दोष किसका है तो वो जनता का है कि जो ऐसे लोगों को जीत के देती है। मेरे ये बात समझ में नहीं आती कि आज हम चिल्लर एक दो लोगों का झगड़ा हुआ तो एक वकील लगाते हैं, तब हम 10 बार सोचते हैं कि अरे वकील अच्छा रहेगा क्या, ये जज को बराबर समझा सकेंगे क्या, ये बोल बच्चन में अच्छा है क्या। तो जब दो झगड़े के लिए वकील लगाते तब हम 100 बातें सोचते हैं, तो देश का कारोबार चलाने के लिए जो वकील को वहाँ भेज रहे वो आदमी अनपढ़ गवार है, कोई 5वीं पढ़ा, कोई 8वीं पढ़ा, कोई 12वीं पढ़ा। ऐसे ऐसे लोगों को हमने लोकसभा में भेजे हैं कि जिन्होंने 3 साल 5 साल 3-3 टर्म में एक सवाल पूछा नहीं। अच्छा, उनका भी क्या दोष विचार होगा कि वो क्या पूछ सकते, वहाँ सारे पढ़े लिखे लोग बैठे वाले हैं, उनके सामने 2 वर्ड ही अंग्रेजी बोल नहीं सकते, और ऐसे लोगों को हम वहाँ भेजते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि लोग मुझे वोट दे या ना दे, पर जिसको भी वोट दे वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि मैं डबल पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, और भी बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, तो चाहे जिसको वोट दो, सिर्फ मुझे तो ये मैं बोलने के लिए नहीं आपको बुलाया हूँ, मैं आप सब लोगों को हाथ जोड़ के विनती करने के लिए आया हूँ कि सभी तमाम जनता को ये बोलो, और मैं भी जनता को रिक्वेस्ट करूंगा कि चाहे किसी को भी वोट दो पर पढ़े लिखे को दो, और उस पढ़े लिखे में मैं भी एक हूँ, तो आपको अच्छा लगा तो मुझे भी वोट दो। बट दिमाग में ये जरूर रखो कि सिर्फ और सिर्फ हमको सिटी डेवलपमेंट चाहिए। अगर मुझे आप लोगों ने वोट दिया और जिता दिया तो मैं आपको दावे से बोलूं कि आने वाले 5 साल के बाद में रोड, लाइट और पानी, ये प्रॉब्लम औरंगाबाद का कभी भी नहीं रहेगा। लेकिन इन लोगों ने ये प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए सॉल्व नहीं किया कि हर बार इनको यही बहाना करना है कि भाई लास्ट टाइम तो नहीं करे, पर आप जीता के जो अब हम ये करेंगे। अरे ये करते करते पिछले 25 साल से ये लोग यही काम कर रहे हैं। तो मैं आपको बार बार यही बोलूंगा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का काम है नई से नई इंडस्ट्रीज लाए, अच्छे से अच्छे बड़े प्रोजेक्ट लाए, जिस हर चीज में औरंगाबाद का MP पिछले 25 साल से फेल, क्योंकि जिसके पहले भी जो कांग्रेस के भेजे गए थे वो भी अनपढ़ गवार थे। एक डॉक्टर रफीक जकीर यहाँ ऐसे मिनिस्टर बने कि जिन्होंने ये सिडको बनाया, अगर आज सिडको नहीं होता तो औरंगाबाद में रहने के लिए लोगों को जगह नहीं मिलती थी। आज ये इंडस्ट्रीज आज भले खराब है लेकिन 1970 से 1990 के बीच में एशिया का सबसे वेल डेवलप्ड सिटी बोल के औरंगाबाद था। तो ये देन भी जकीर साहब की। लोग जातिवाद करते लेकिन जकीर साहब तो मुसलमान थे, अंतुल साहब भी मुसलमान थे, लेकिन औरंगाबाद का हाईकोर्ट 1 मिनट में इस आदमी ने फेंका था। तो मैं यहाँ जातिवाद की बात नहीं करूंगा, मैं इतने बोलूंगा कि चाहे कल मुसलमान आदमी MP बने या हिंदू बने, लेकिन वो पढ़ा लिखा हो जो सिटी के डेवलपमेंट के बारे में सोचे, ना कि ये हरा पीला नीला काला बात करने वाला रहे। इतना ही बोलूंगा बार बार कि पढ़े लिखे लोगों को वोट दो, कोई भी कौम का आदमी हो वो पढ़ा लिखा रहेगा तो उसको तमीज आएगी, कमी आएगी, उसको बोलने की ये रहेगी, पर अनपढ़ गांव आदमी क्या बात करेगा। हमेशा वही बात है कि हमको आपको हरा चाहिए कि नीला चाहिए, पीला चाहिए, भगवा चाहिए, और ये चीज़ों से देश इतना पीछे जा चुका है। हम नहीं चाहते कि आगे भी यही चीज़ें हो। आज पूरे देश में ये चल रहा है और जिससे झगड़े पट्टी लोचे लपड़े सब चल रहे, ये खत्म करना है। तो इसकी शुरुआत औरंगाबाद से करो, जातिवाद खत्म करो, कोई भी आदमी वोट दो लेकिन पढ़े लिखे के दो जो डेवलपमेंट करेगा। और मैं भी पढ़ा लिखा हूँ इसलिए हाथ जोड़ के बोलूँगा कि मुझे भी आप हक से वोट देना चाहिए। अगर आप दोगे तो आपका वोट जाया जाएगा, मुझे जिताने की कोशिश करें। और साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि धूप काले का दिन है, बहुत गर्मी है, इसलिए सवेरे से ही मैक्सिमम लोग इस काम के लिए निकले, लेडीज लोगों को, बच्चों को, सबको पहले भेजते हुए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए
कि धूप में फिर किसको भेजो, पता लगे किसको अटैक आ गया, किसको प्रॉब्लम हो गया, तो मैक्सिमम सवेरे सवेरे और शाम में ये सब वोटिंग करने की कोशिश करें, पर शाम का इंतजार मत करो, सवेरे ही मेहरबानी करके बाहर निकल जाओ।